छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति विभिन्नताओं से भरी है। राज्य के उत्तर एवं दक्षिण में पहाड़ी के साथ साथ वनांचल तथा मध्य भाग में मैदानी क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में लगभग 65% क्षेत्र आदिवासी बहुल है। यहाँ विभिन्न आय वर्ग के लोग हैं। सभी वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित कराना हमारा कर्तव्य है। विद्यार्थी विद्यालय के साथ साथ घर पर भी अध्ययन कर सकें, इसलिए SCERT छत्तीसगढ़ राज्य के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सभी विषयों की मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री तैयार की गई है। यह पाठ्य सामग्री संपूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ के पाठ्यक्रम के अनुसार है। इस पाठ्य सामग्री को शिक्षक विद्यालय में स्वयं के कक्षा शिक्षण में भी प्रयोग कर सकते हैं। मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्रियों का प्रोडक्शन SCERT के स्टूडियो में ही किया गया है। इसके साथ ही इसकी एडिटिंग एवं मिक्सिंग का कार्य भी परिषद के एडुकेशन टेक्नोलॉजी प्रकोष्ठ में किया गया है। इन सामग्रियों को तैयार करने में परिषद में चुने हुए प्रशिक्षित शिक्षकों का सहयोग लिया गया है। मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री में विषय वस्तु की आवश्यकता के अनुसार एनिमेशन, वीडियो प्रयोग, लिखित सामग्री, गणना व चित्र का प्रयोग किया गया है। यह पाठ्य सामग्री परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। राज्य के विद्यार्थियों के लिए भारत सरकार के सहयोग से जुलाई 2023 से छत्तीसगढ़ के लिए PME विद्या के नाम से 3 TV चैनल प्रारंभ किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के निर्देशन में SCERT के द्वारा मल्टीमीडिया जो क्लासेस हैं उसका निरंतर जो पाठ्यक्रम है वो तैयार किया जा रहा है। इसके लिए हमारे जो मल्टीमीडिया की जो टीम है उनके द्वारा कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक मल्टीमीडिया का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और इसमें सभी विषय हैं और कोशिश ये की गई है कि छत्तीसगढ़ का जो पाठ्यक्रम है और छत्तीसगढ़ के जो परिवेश हैं स्थानीय परिवेश के अनुरूप ही इन मल्टीमीडिया वीडियो को तैयार किया गया है। जो पाठ्यक्रम SCERT के द्वारा मल्टीमीडिया पाठ्यक्रम जो तैयार किया जा रहा है वो PME विद्या योजना के अंतर्गत जो 3 चैनल शीघ्र ही प्रारंभ होने वाले हैं, ये DTH चैनल रहेंगे। इन चैनलों के माध्यम से जो मल्टीमीडिया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है उसका प्रसारण किया जाएगा और उम्मीद कर रहे हैं कि इस मल्टीमीडिया पाठ्यक्रम के द्वारा जो प्रदेश के बच्चे हैं 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक उनको इसका लाभ मिलेगा। इनमें से एक चैनल कक्षा 12वीं के लिए, एक चैनल कक्षा 11वीं के लिए तथा एक चैनल कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए होगा। इन चैनलों में 24 घंटे में 6 विषयों को 4 बार एक एक घंटे के लेसन के रूप में दोहराया जाएगा। विद्यार्थी कभी भी अपनी सुविधा अनुसार घर पर ही अध्ययन कर सकते हैं। यह DTH TV चैनल में निःशुल्क प्रसारित किया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि प्रदेश के सभी बच्चों को विद्यालय के साथ साथ घरों में भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो, इसी उद्देश्य को लेकर PME विद्या के 3 चैनल हम प्रारंभ कर चुके हैं। बहुत जल्दी हम 2 चैनल और भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये जो 3 चैनल में आप पहले ही आप जान चुके हैं कि एक चैनल कक्षा 12वीं के सभी विषय के लिए है, एक चैनल 11वीं के लिए है और एक चैनल 9वीं और 10वीं के लिए है। PME विद्या में जो 3 चैनल प्रसारित की जा रही है इसमें रात 12 बजे से लेकर अगले रात 11:59 तक कार्यक्रम प्रसारित होगा, यानी कि 24 घंटा इसमें अध्ययन के लिए पाठ उपलब्ध है। इसमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको, प्रतिदिन 6 घंटा का यानी कि 6 विषय का एक एक घंटे का लेसन प्रसारित होगा जो 24 घंटे में 4 बार रिपीट होगा, रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, फिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक, फिर 12 बजे से शाम 6 बजे तक और आखिरी रिपीट जो है शाम 6 बजे से रात 11:59 तक। यानी कि बच्चा अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे इसका लाभ ले सकते हैं। इन चैनलों में जो प्रसारित जो सामग्री की जाएगी ये बेहतर विजुलाइजेशन के साथ इसको तैयार किया गया है SCERT में और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने विद्यालय में D2H लगाइए और
यदि आपके विद्यालय में शिक्षक अनुपस्थित रहता है या किसी कारण से नहीं आ पाता है या विशेष शिक्षक नहीं हो, तब भी आप इस चैनल के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को अध्ययन का लाभ दे सकते हैं। साथ ही आप बच्चों को भी बताएं ताकि घरों में भी वो D2H लगाए। ये फ्री टू ईयर है, इसमें रिचार्ज की आवश्यकता नहीं है। घर में भी बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध होगा और इससे वो परीक्षा में भी बेहतर अंक प्राप्त कर सकेंगे। आप लोग की सहयोग प्रार्थनीय। नमस्कार।